हेलो एवरीवन सो गाइस न्यूज़पेपर रीडिंग सिर्फ बिगनर्स के लिए ला मैं ला रहा हूँ एडिटोरियल में नहीं लाता हूँ क्योंकि बिगनर्स की बहुत सारी डिमांड होते हैं कि कैसे न्यूज़पेपर को समझे कैसे बड़े सेंटेंसेस को तोड़े देखिए गाइस एक छोटा सा मैंने ये न्यूज़ उठाया है आप अगर यहाँ से यहाँ तक देखें तो एक छोटी सी न्यूज़ में आपको क्या कुछ मिल सकता है वो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस देखिए एक तो इतने सारे वर्ड्स मीनिंग मिले हैं मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन दस वर्ड्स मीनिंग मिले हैं उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो मिले हैं तो अगर आप एक बिगनर्स से मतलब आप टेंसेज जानते हैं आप चाहते हैं कि आप अंग्रेजी अखबार को समझे तो आप सिटी न्यूज उठाइए ना छोटे छोटे जो पीसेज है वो उठाइए अब इसमें कुछ वर्ड्स आप देख लीजिए अगर आपको नहीं आते होंगे जैसे कि इनोकुलेट इनोकुलेट का मतलब होता है टीका लगाना जो टीकाकरण होता है इंजेक्शन लगाते हैं इनोकुलेट कहते हैं तो आप अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए एक जैब काफी आजकल फेमस है वर्ड जैब जैब का मतलब होता है इंजेक्शन जैब का मतलब कोई चीज़ भोंक देना होता है तो इंजेक्शन

यहां पर लिखा है कि चीफ टेन चीफ टेन का मतलब है कि एक जो एक पर्टिकुलर एक समूह एक जाति का जो मुखिया होगा जो चीफ होगा उसको चीफ टेन कहते हैं हेजिटेंसी हेजिटेंसी है, का मतलब हिचकिचाहट है वर्ल है इसका मतलब कमजोर है और एडमिनिस्टर का मतलब होता है वितरित करना एडमिनिस्टर काफी मतलब है बट एक वितरित करना भी होता है स्ट्रक्चर्स की बात करें तो यहाँ पर डिस्पाइट का इस्तेमाल हुआ है हैड टू का इस्तेमाल है एक कॉजिटिव का इस्तेमाल हुआ है मेक के रूप में मैनेज टू का इस्तेमाल है उसके बाद आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल आना चाहिए पास्ट पार्टिसिपल आना चाहिए एडजेक्टिव क्लॉज आना चाहिए और पैसिव आना चाहिए अगर ये सब आता है आपको तो हो गया फिर आप सेंटेंसेस को तोड़कर आप कोशिश कर सकते हैं गैस चलिए आप अगर चाहें तो इसका एक स्क्रीन शॉट पहले ले लीजिए गैस ओके अब पढ़ते हैं अखबार देखिए सबसे पहले हेडलाइंस की बात करते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि एक मिनट हाँ जी यहां पर लिखा हुआ है कि ओडिशाज ट्राइबल्स फ्ली विलेज फियरिंग जैब देख लीजिए तो ज्यादातर जो हेडलाइंस है आपको प्रेजेंट इन डेफिनेट में दिखाई देते हैं दिखाई देंगे प्रेजेंट इन एफिनिट में बट हम समझेंगे कि काम हो चुका है तो जो उड़ीसा के बहुत सारे जो ट्राइबल्स है जो एक जनजाति है फ्ली, फ्ली मतलब हम फ्लेट समझेंगे कि वो भाग गए फरार हो गए कहां से भाग गए गांव से भाग गए अवेयरनेस ड्राइव्स डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद उसके होने के बाद भी अवेयरनेस ड्राइव्स का मतलब है कि सबको अवेयर कराया गया था सबको बताया गया था कि इंजेक्शन लेना कितना जरूरी है उसके बावजूद विलेजर्स वर मिसलेड यहां पर पैसिव का इस्तेमाल है पास्ट एंड डेफिनेट का पैसिव है कि गांव वालों को मिसलीड किया गया बाई पोस्ट ऑन सोशल मीडिया सोशल मीडिया पर जो लोग पोस्ट करते हैं उन पोस्ट के माध्यम से उनको मिसलीड किया गया ठीक है चलिए आगे देखते हैं देखिए ट्राइबल्स इन ओडिशा रायगढ़ 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 डिस्ट्रिक्ट फ्लेड द विलेज आफ्टर लॉकिंग अप देयर हाउसेज टू अवॉइड टेकिंग द कोविड नाइनटीन Vaccine, देख लीजिए यहां पे फुल स्टॉप है सेंटेंस कितना भी बड़ा हो आप कैसे तोड़ेंगे देख लीजिए यहां पर सबसे पहले लिखा है कि ट्राइबल्स ठीक है ट्राइबल्स की बात हो रही है तुरंत तो यहां पर एक प्रेपोजिशन आ गया कि इन ओडिशा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट अब देख लीजिए ये इन से जो आप देख रहे हैं ना इन से लेके डिस्ट्रिक्ट तक जो आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज फ्रेजेज बहुत होते हैं फ्रेज क्लॉज यही तो सब कुछ है तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है प्रेपोजिशनल फ्रेजेज दो काम करते हैं और बार्किंग बहुत है के बारे में कुछ बता रहा है तो वो एकदम विशेषता बता रहा है वो का काम करेगा। अगर वो किसी वर्ब के बारे में बता रहा है तो एडवर्ब बन जाता है तो बड़ा ये कमाल है तो यहां पर ट्राइबल्स तो नाउन है तो इसके बारे में बता रहे कि वो ट्राइबल्स वो जनजाति वो समूह कहा के हैं उनके बारे में बता रहे हैं कि इन उड़ीसा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो ट्राइबल्स हैं फ्लेड ये फ्लेड हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और ट्राइबल्स हमारा सब्जेक्ट है ये रहा सब्जेक्ट और ये रहा वर्ब और सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक प्रपोजिशनल फ्रेज डाल दिया है इसीलिए सेंटेंस आपका बड़ा दिखता है समझ गए बचपन से आपने पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लेकिन उस सब्जेक्ट और वर्ब को जुदा कर दिया जाता है उसके बीच में बहुत सारी चीजें आ जाती है तो कंफ्यूज्ड कर देता है आपको बस यही है चलिए वो भाग गए कहां से भाग गए जी गांव से भाग गए ठीक पर आफ्टर जो किस चीज के के बाद बाद भागे तो आफ्टर, अब, आफ्टर के बाद आपको में दिखाना है, क्योंकि जिरंड आएगा आफ्टर है तो आफ्टर अब, अपने घरों को लॉक करके भाग गए क्या पर्पज था जी क्यों भागे घरों को लॉक करने के बाद भाग तो गए बट पर्पज क्या था तो इन्फिनेटिव पर्पज दिखाता है तो टू लगा होगा कि टू अवॉइड 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 का मतलब कि टालना टू अवॉइड क्या अवॉइड करना था टेकिंग द कोविड 19 वैक्सीन अब यहां पर ये जो टेकिंग कोविड 19 वैक्सीन है ये टेकिंग क्या है ये यहां पर ही जिरंट का काम कर रहा है कोविड 19 वैक्सीन को लेना तो उस लेने को अवॉइड कर अवॉइड फलाना तो फलाना मतलब कोई नाउन चाहिए ना आई वॉन्ट टू अवॉइड यू आई वॉन्ट टू अवॉइड 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 योर एक्शन आई वॉन्ट टू अवॉइड टेकिंग एग्जाम आई वॉन्ट टू अवॉइड कुकिंग फूड तो वो जिरण है ये तो आईएनजी वाला जिरंट भी होता है कई बार प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है तो आपको यहीं पर दिख गया का नहीं लेना चाहते थे इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने घर को लॉक किया भाग गए ट्राइबल्स कहा के थे तो ओडिशा के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के थे एकदम क्लियर आगे देखिए द इंसिडेंट टुक प्लेस एट चंपकना अजीब सा नाम है चंपकना अब यहीं पर देख लीजिए पास है की जो घटना है वो घटी टुक प्लेस का मतलब हुआ तो ये घटना हुआ कहां पर हुआ तो एट चंपकना छोटे जगहों के लिए एट का इस्तेमाल होता है अंडर कोलनारा ब्लॉक ऑफ रायगढ़ तो रायगढ़ के अंडर में एक कोलनारा ब्लॉक होता है आता है उसमें ही चंपकना है वहां पर घटना घटी कब हुआ तो ऑन वेंसडे बुधवार को हुआ आगे देखिए द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैड हेल्ड एन अवेयरनेस कैंप आपको टेंसेज आते हैं तो देख लीजिए पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो प्रशासन है जिले का उन्होंने अवेयरनेस कैंप को रखा था हेल्ड कैंप का मतलब है कि उसको कंडक्ट किया था उसको रखा था मतलब वो कैंप चलाया था अवेयरनेस का कि लोगों को हम जागरूक करेंगे यहाँ हेड क्यों आया है क्योंकि इस घटना से पहले ही एक काम होने से पहले कोई दूसरा हो चुका होता है तो पास्ट परफेक्ट है तो ये जो लोग भाग गए इससे पहले उन्होंने अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रखा था एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेन explain करते हुए प्रेजेंट पार्टिसिपल है टीकाकरण के क्या फायदे हैं इसको एक्सप्लेन करते हुए ठीक है हाउएवर हाउए का मतलब होता है वो तो ठीक है फिर भी थोड़ा सा विपरीत होगा हाउएवर वेन आर टीम रीच विलेज जब हमारी टीम गांव पहुंची रीच के बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आता कई लोग रीच टू रीच टू बोल देते हैं रीच्ड द विलेज और यहाँ पर पास्ट एंड डेफिनेट टेंस है कि वैन वैन का मतलब यहाँ पर जब है कब नहीं है कि जब हमारी टीम गांव पहुंची विद हंड्रेड डोजेस हंड्रेड डोज लेकर पहुंची फॉर दोज उन लोगों के लिए एज अव फोर्टी फाइव यहां पर आप देख रहे हैं कि एज क्यों है ये थर्ड फॉर्म क्यों दे दिया भाई इसी को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल और ये काम एडजेक्टिव का करता है यहां पर है कि भाई हमारी जो टीम है वो गांव पहुंच गई हंड्रेड डोज ले गई किसके लिए ले गई फोर डोज उन लोगों के लिए कौन है वो लोग तो ये जो डोज है ना इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा बता रहे डिस्क्राइब कर रहे हैं इस डोज को कि वे लोग एज्ड जिनकी उम्र है अवव फोर्टी फाइव जो पैंतालीस साल से ऊपर है उनके लिए सौ डोज लेकर गए थे इट डिड नॉट फाइंड एनी अवेलेबल तो इट डिड नॉट फाइंड एनी तो हमारी जो टीम है इसने किसी को भी वहां पर अवेलेबल नहीं देखा मतलब कोई भी नहीं था फोर टू फाइव प्रेजेंट देयर वर नॉट रेडी टू टेक द अब देख लीजिए देखिए दबर टू विलेजर्स ठीक है प्रेजेंट देयर वर अब ये वर क्या है वर हमारा वर्ब है तो सब्जेक्ट कौन सा है सब्जेक्ट ये है आपका पूरा यहां से यहां तक फोर टू फाइव विलेजर्स प्रेजेंट देयर ये जो देयर तक आप देख रहे हैं ना तो इसको कहते हैं फोर से लेकर के देर तक जो है इसको बोलते हैं हम नाउन फ्रेज ये पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है ठीक है यानी कि चार से पांच लोग प्रेजेंट देयर जो कि वहां पर उपलब्ध थे इस प्रेजेंट को अगर मैं चाहूं तो बड़ा कर दू कि फोर टू फाइव विलेजर्स हु वर प्रेजेंट देयर मैं पूरा एक क्लॉज को रिड्यूस करके यहां पर क्या है क्लॉज को रिड्यूस करके फ्रेज बना दिया गया है कि चार से पांच गांव वाले जो कि वहां पर उपलब्ध थे प्रेजेंट देर वर नॉट रेडी वो तैयार नहीं थे टू टेक द जैब इंजेक्शन लेने के लिए तैयार नहीं थे सेड डी सैलजा तो कोई है उन्होंने कहा सैलजा नाम है कोलनरा मेडिकल ऑफिसर तो मेडिकल ऑफिसर हैं वो उन्होंने कहा अच्छा डी मतलब डॉक्टर डॉक्टर सैलजा साल, सैलजा सा, तो डॉक्टर सैलजा सेड उन्होंने कहा कि द ट्राइबल्स बिलोंगिंग टू द कंद कम्युनिटी वर अ पेरेंटली मिसलेड बाय सम व्हाट्सएप वीडियो देखिए यहां पर देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल डॉक्टर सैलेजा सेड बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है कि पास्ट डेफिनेट है, है सैलेजा हमारा सब्जेक्ट है सेड हमारा वर्ब है कहा किससे सेड सेड उन्होंने कहा ठीक है अब क्या कहा कि द ट्राइबल्स द ट्राइबल्स अब ट्राइबल्स के बारे के तुरंत बाद यहां पर आ गया बिलोंगिंग आई लग गया प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है वो ट्राइबल्स के बारे में कुछ बता रहा है कि डॉक्टर सैलजा ने कहा कि जो ट्राइबल्स है ना कौन से ट्राइबल्स बिलोंगिंग टू द कंद कम्युनिटी जो कि कंद कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो कर कर हैं ट्राइबल सब्जेक्ट है ये ट्राइबल सब्जेक्ट है और ये जो वर आप देख रहे हैं ये उस सब्जेक्ट का वर्ब है तो ये क्या था भैया ये बिलोंगिंग से लेके यहाँ तक क्या था तो ये एक एडजेक्टिव है प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है ट्राइबल्स को

क्लॉज भी एडजेक्टिव है भी एडजेक्टिव है देख फ्र विच प्रिडिक्टेड डेथ तो ऐसे वीडियोज जिसने डेथ को की भविष्यवाणी की है टू ईयर्स ऑफ वैक्सीनेशन की वैक्सीनेशन लोगे तो उसके लोग साल के अंदर आपका डेथ हो जाएगा एक मिनट जरा ग्रीन टी पी लीजिए गुड फॉर हेल्थ ग्रीन टी हम्म अच्छा जी आगे देखते हैं द पॉपुलेशन ऑफ चंपकना 500. तो जो भी चंपकना जो गांव है उसकी जो पॉपुलेशन है सौ है घंटे तक उसको persuade किया गया गया. उन लोगों को मनाया गया, तो चिफ्टेन जिसमें इन्वॉल्व थे यहाँ भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है कि चिफ्टेन को चिफ्टन मतलब उस गांव के जो मुखिया थे उसको भी इन्वॉल्व करते हुए थ्री पर्सन केम फॉरवर्ड फॉर इनऑकुलेशन सिर्फ तीन लोग आए भैया तीन घंटे समझाने के बाद तीन लोग आए कि हाँ जी हमको लगा दीजिए इंजेक्शन बताइएंग ड्राइव ड्राइव का मतलब है कि जब ये सिलसिला चल रहा था ड्यूरिंग द ड्राइव वी हैव फेस्ड सिमिलर सिचुएशन तो कह रहे हैं कि हमने ऐसे बहुत सारे सिचुएशन फेस किए हैं सिमिलर सिचुएशन इन फोर टू फाइव विलेजेस चार से पांच गाँव में जब हम ये

हम हैज हैजिन लगाएंगे मैं बीमार हूँ आई एम इल मैं पाँच दिनों से बीमार हूँ आई हैव बीन फॉर फाइव डेज ओके तो ये हैज़ बीन अ मेजर इशू शुरू से मेजर इशू रहा है फॉर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस द स्टेट पूरे स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट के जो प्रशासन है उसके लिए बहुत बड़ी है मेजर इशू रही है लास्ट मंथ द रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू सिट हैड टू का मतलब करना पड़ा तो पिछले महीने जो रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रशासन उनको हैड टू सिट विद द डोंगरिया डोंगरिया के साथ बैठना पड़ा उनको Had to sit, पड़ा का फिल्म डोंगरिया कॉन्स के साथ बैठना पड़ा और पर्टिकुलरली वल नेवर ट्राइबल ग्रुप ये जो है जो भी डोंगरिया जो है एक कमजोर ट्राइबल ग्रुप है इनके साथ बैठना पड़ा फॉर फॉर डेज टू मेक देम अग्री टू वैक्सीनेशन कई दिनों तक बैठना पड़ा टू मेक देम अग्री उनको अग्री कराने के लिए पॉजिटिव सेंटेंस है टू मेक देम अग्री टू वैक्सीनेशन मैं थोड़ा सा समझा भी दू क्या आपको

को भी बताया जाए देखिए सेंटेंस सेंटेंस इसके अंदर अंदर अभी मैं आपको मेक बता मेक बता रहा के होता है क्या है क्या कि हम किसी को कोई काम करवा लेते हैं जैसे कि आप अगर शराब नहीं पी रहे और मैं आपसे आपसे पिलवा ही लूंगा मतलब कुछ मैं ऐसा कर दूंगा कि आप पी लेंगे खासकर फोर्स को दिखाया जाता है तो मैं कैसे बोलूंगा कि मैंने उसे शराब पिला दी तो आई पास्ट टेंस है तो मैं मेक को बदलूंगा मेड में कि आई मेड हिम उसके बाद ड्रिंक एल्कोहल 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 आई मेड हिम ड्रिंक एल्कोहल वह मुझे रुला रहा था तो कैसे बोलेंगे कि ही वॉज मेकिंग मी मेकिंग मी क्राई तो देख रहे कि मेक लग रहा है ही वॉज मेकिंग मी क्राई ओके मैं ऐसे तो नहीं बोल सकता कि ही वॉज क्राइंग मी मैं कैसे बोल सकता ही वॉज क्राइंग मी कैसे बोल सकता है कि वह मुझे आपके मन में चल रहा है वो मुझे रुला रहा था और आपके मुँह से निकल रहा है ही वॉज क्राइंग मी मन में कुछ और है बाहर कुछ और है बंदा कुछ और समझेगा हैं तो इस कुछ और से बचने के लिए भैया सही समझिए वॉज क्राइंग में नहीं होगा ही वॉज मेकिंग मी क्राई वह मुझे समझा रहा था या वह मुझे समझाता है क्योंकि अंडरस्टैंड में आई तो लगता नहीं तो वह मुझे समझाता है तो आप क्या बोलेंगे ही अंडरस्टैंड मी है हो जाएगा वो मुझे समझता है होना क्या चाहिए ही मेक्स मी अंडरस्टैंड अब जाके करेक्ट हो गया ओके okay? मैं आ, मैं आपको पानी पिलाऊंगा क्या बोलेंगे आई विल ड्रिंक यू वाटर आई विल ड्रिंक यू वाटर ऐसा बोलेंगे मैं पी जाऊंगा आपको पानी समझ के ऐसा हो जाएगा मैं आपको पानी पिलाऊंगा आई विल मेक यू ड्रिंक वाटर कितना फर्क है ना एक मेक नहीं लगाएंगे तो सब कुछ बदल जाएगा बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों एक होता है गेट वाला जैसे मैं तुझे कल पिटवा दूंगा आई विल गेट यू आई विल गेट यू buddy बारी आई विल गेट यू बीटन I आई विल गेट बीटन tomorrow मैं तुझे पिटवा दूंगा मैं अपना मोबाइल रिपेयर करवा रहा हूँ यार आई एम गेटिंग माई मोबाइल कमान टाइप करना बड़ा मुश्किल होता है मोबाइल रिपेयर रिपेयर यस yes, आई एम गेटिंग माई मोबाइल रिपेयर बेहतरीन आइटम है ये हो गया उसके बाद मैं वो जो हैव हैज हैजबिन कह रहा था वो भी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूँ देख लीजिए जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि आई एम इल मैं बीमार हूँ तो मैं बीमार हूँ अभी मैं प्रेजेंट में बीमार हूँ आप देख रहे हैं मैं अगर कल बीमार था तो मैं बोलूँगा आई वॉज़ इल लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं यार पांच दिन से बीमार हूं भाई तो मैं अगर ऐसे बोलता हूं कि आई एम इल फॉर फाइव डेज अगर मैं ऐसा कहता हूं ना दोस्तों तो हो सकता है कि आपको लगे कि ठीक तो है क्या गलत है इसके अंदर लेकिन ये गलत है ऐसे होगा कि आई हैव बिन इल फॉर फाइव डेज मैं पांच दिनों से बीमार हूं इस तरीके से होगा ओके अगर एक तो आप एक अगर मैं एक सेंटेंस बोलूँ तो आप शायद मानेंगे ही नहीं अगर हम बोलूँ कि मैं बोलता हूँ कि आई हैव फीवर आई हैव फीवर मुझे बुखार है यार आई हैव फीवर मैं बोलूँ कि यार मुझे ना भाई पाँच दिनों से बुखार है अब क्या कर लेंगे आप क्या बोलेंगे आप आप ऐसे बोलेंगे आप शायद ऐसे ही बोलेंगे कि आई हैव फीवर फॉर फाइव डेज और आप बोलेंगे आप खुश हो जाएंगे सामने वाला भी खुश हो जाएगा हाँ सही तो कह रहा है <laughs> मतलब कई बार ऐसा लगता है ना कि मतलब इधर वाला बंदा जो कैसे भी टूटी फूटी बोले वो सामने वाला समझ जाता है उसकी फीलिंग समझ जाता है फिर दोनों खुश हो जाते हैं हाँ हो गई कम्युनिकेशन हमारी मस्त इंग्लिश है लेकिन ऐसा नहीं है आपको करेक्ट बोलना पड़ेगा कैसे बोलेंगे आई हैव फीवर फॉर फाइव डेज नहीं होगा आई हैव हैड फीवर फॉर फाइव डेज अब आप इसमें माने ना माने सर पीटे बट यही सच्चाई है आप जाके अपने टीचर से पूछेंगे कई बार जो, जो, जो छोटे लेवल पे जो टीचर्स पढ़ाते हैं तो कई बार वो भी नहीं जानते बुरा मत मानिए कि अगर कोई टीचर देख रहा है बट ये सच्चाई है वो भी कई बार नहीं जानते हैं तो फिर वो भी सोचते हैं कि अब ये क्या पूछ रहा है क्या ये सही है कन्फ्यूज होते हैं तो ज्ञान को बढ़ाइए ना क्या दिक्कत है ज्ञान को बढ़ाइए सो आई हैव हैड फीवर फॉर फाइव डेज ऐसा से बोलेंगे तो उसी प्रकार से मैं बोलूँ कि हेजिटेंसी 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 इज इज़ एन इशू फॉर दिस डिस्ट्रिक्ट

हैजबिन लगाने से पता चल रहा है सब पता चलता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेके अब तक ये है ही ये खत्म नहीं हुआ है मतलब अभी नहीं है किसी न किसी समय से हालांकि इसमें कोई टाइम नहीं दिया है टाइम दिया जाए तो दिया जा सकता है कि फोर फाइव ईयर्स टू ईयर्स तो ये है अगर मैं कहता हूँ कि देयर इज एन इशू देर इज एन ईशू इशू इन दिस बिजनेस इस बिजनेस में एक इशू है अब मैं बोलूं कि देयर has been has been an issue in this business आप क्या करेंगे भाई तो इसका मतलब है कि इस बिज़नेस में शुरू से ही कोई इशू है काफ़ी लंबे समय से इशू है ये सब फर्क पड़ता है समझ रहे ठीक है एक आपको थोड़ा कन्फ्यूज और कर दो अच्छा लग रहा है अगर मैं बोलूं कि मैं आपको 10 साल से जानता हूँ कैसे बोलेंगे आप ऐसे बोलेंगे आई नो यू आप कैसे तो बोलेंगे आई नो यू फॉर टेन ईयर्स आई नो यू फॉर टेन ईयर्स ओके ऐसे बोलेंगे क्योंकि आपको लगेगा कि जानता ता, ते, ती, ऐसा है ना पढ़ते हैं मत पढ़िए ती, काम नहीं आने वाला है मैं आपको दस साल से जानता हूँ पता क्या होगा आई हैव नो नई हैच्चाई है कड़वी सच्चाई दोस्तों अब आप अगर अपने गाँव घर में ऐसे बोलेंगे ना आई हैव नो न्यू फॉर टेन ईयर्स तो आपके जो दोस्त लोग है जानने वाले कहेंगे गलत बोल रहा है गलत बोल रहा है क्योंकि उनको उन्होंने ऐसा कभी सुना नहीं तो सुना नहीं ना तो मानते नहीं है वो आपको प्रूव भी कर देंगे देख मैं तुझे दस साल से जानता हूं देख ता ते ती प्रेजेंट एकदम करेक्ट है वो ऐसे करके आपको बेवकूफ बना देंगे तो यही होता है ज्ञान को बढ़ाइए कुछ भी नहीं चले गए जाके देखते हैं ओके okay. यहां पर है कि सिमिलरली इट वॉज डिफिकल्ट टू कन्विंस चुक चुकटिया क्या पढ़ूंगा चुकटिया इट वॉज डिफिकल्ट टू कन्विंस चुकटिया भुंजिया एनोदर टी वी टी जी मतलब उस तरह के जो थोड़े गरीब वाला जो ग्रुप था उनको डिफिकल्ट था कन्विंस करना रिसाइडिंग इन द सुनाबेड़ा प्लेटू ऑफ नू नूपडा डिस्ट्रिक्ट ओ माय गॉड ऑन वैक्सीनेशन कहने का मतलब है कि वैक्सीनेशन पर इन लोगों को भी कन्विंस करना डिफिकल्ट था अभी किस किस गांव का नाम है वो मुश्किल है थोड़ा द ट्राइब्स ट्राइब्स मैन अच्छा जो उसके जो उस समुदाय के जो मैन लोग हैं से उन्होंने कहा कि दे फियर्ड दे वुड डाई सून आफ्टर गेटिंग द जैब उन्होंने कहा कि वो, वो मतलब कि वो डर गए ये डर गए कि दे वुड डाई यहाँ वुड क्यों आया पास्ट से पास्ट में जब फ्यूचर की बात होगी तो विल वुड हो जाएगा नायरेशन याद रखिए आजकल दैट लोग नहीं भी लगाते हैं तो दे फियर दे वुड डाई क्यों जल्द मर जाएंगे सून आफ्टर गेटिंग द जैब इंजेक्शन लेने की तुरंत बाद मर जाएंगे उड़ीसा हैज सो फार मैनेज टू एडमिनिस्टर द फर्स्ट डोज मैनेज टू का मतलब कि कैसे भी सक्सेस हो जाना तो उड़ीसा अब तक सोफार का मतलब अब तक है वो सक्सेस हो गई है वितरित करने में बांटने में डोज को टू इतना लोग कितने हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख बचपन से ऐसी पढ़े ना तो नौ लाख अड़सठ हज़ार एक सौ अट्ठासी लोगों को बांटने में वो बिल्कुल मतलब सक्षम रही है एज बिटवीन 18 टू 45, फाइव अठारह से चौवालीस साल की उम्र तक के लोगों को बांट दिया गया है दे दिया गया है ओनली थ्री इतने जीरो को सेकेंड डोज मिला है थर्टी जीरो लोगों को आप खुद काउंट कर लीजिएगा, लीजिएगाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख चौवन लाख चौंतीस हजार अड़तीस जो लोग हैं एज अब फोर्टी फाइव जो पैंतालीस साल से ऊपर है इंजेक्शन दिया है और ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख तो ग्यारह लाख बाईस हजार नौ सौ पैंतीस जो है, है सेकंड डोज इनको सेकंड डोज दे दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट का पैसे में ओके हमने जब बचपन में पढ़ा ना तो हमने वन टेन्स हंड्रेड करके नहीं पढ़ा ये जो देख रहे हैं ना हमने इकाई दहाई सैकड़ा करके ही पढ़ा है तो जो पहले से अंदर रहता है वही आता है इंग्लिश बोलना है, एक अलग बात है मैथ एक अलग चीज है ठीक है जी चलिए तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों आई होप कि आपके समझ में आया होगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में ओके okay? सिर्फ बिगनर्स के लिए है बहुत दिन बाद में लाया हूँ एडिटोरियल में जानबूझ के नहीं लाता हूँ एडिटोरियल तो कुछ तो ऐसी खबरें होती हैं गाइज़ कि मैं ट्रांसलेट तो कर देता हूँ बट सच पूछे तो वो फील नहीं आता मतलब मैं मैं भी नहीं समझता हूँ मतलब मैं जो लिखा है उसकी मैं हिंदी आपको बता दूंगा बट वो हिंदी भी मुझे वो फीलिंग नहीं दे पाती क्योंकि मुझे उस बैकग्राउंड का नॉलेज नहीं है बैंक के बारे में आ जाए मुझे पता नहीं पॉलिटिक्स के बारे में आ जाए मुझे पता नहीं अब मैं ट्रांसलेट कर दूं बट मैं खुद ही नहीं समझ रहा कौन सी पार्टी है कब आई थी हुआ क्या था अब पूरा बैकग्राउंड कौन अब उसके पीछे मेहनत करे तो ये प्रॉब्लम है गाइस इससे चलेगा इस तो थैंक यू वेरी मच एवरी सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड थैंक यू